आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारा टॉपिक चल रहा है दुर्खिम का श्रम विभाजन का सिद्धांत, जिसमें मैंने अभी तक आपको बताया श्रम विभाजन के प्रकार ये क्या हैं, श्रम विभाजन के कारण और दशाएं क्या हैं, उसके परिणाम क्या हैं। जैसा कि इसमें पहले ही आपको मैंने स्पष्ट किया था, दुर्खिम की ये रचना 3 खंडों में विभाजित है और इस रचना का 3रा खंड में दुर्खिम ने श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूपों का उल्लेख किया है। श्रम विभाजन के कुछ अच्छे परिणाम निकलते हैं, वहीं कुछ व्याध के परिणाम भी उत्पन्न होते हैं। श्रम विभाजन का एक प्रकार ये समाज में साव्यवेकता उत्पन्न करना है। श्रम विभाजन के जो स्वरूप समाज में एकता स्थापित नहीं करते, दुर्खिम उन्हें श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप कहता है। यानी कि शुरू में दुर्खिम ने बताया है कि श्रम विभाजन का प्रकार ये नैतिकता से पूर्ण होगा और जो स्थिति नैतिकता से पूर्ण नहीं है वो श्रम विभाजन का प्रकार ये नहीं है। तो श्रम विभाजन का जो प्रकार है या श्रम विभाजन के जो स्वरूप समाज में एकता स्थापित नहीं करते, उन्हें असामान्य स्वरूप कहा गया है। असामान्य स्वरूपों के अध्ययन से ही हम सामान्य स्वरूप को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। जैसे सामाजिक एकता के लिए कौन कौन सी दशाएं आवश्यक हैं, दुर्खिम ने श्रम विभाजन के 3 प्रकार के असामान्य स्वरूपों का उल्लेख किया है। आदर्शहीन श्रम विभाजन, बलात् श्रम विभाजन तथा व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता वाला श्रम विभाजन। अब सबसे पहले बात करते हैं आदर्शहीन श्रम विभाजन की। श्रम विभाजन की प्रक्रिया में कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति और उसके कार्यों में कोई तालमेल नहीं रह पाता और वे परस्पर सहयोग करने के स्थान पर एक दूसरे के विकास में बाधक बन जाते हैं। श्रम विभाजन का सामान्य आदर्श तो यह है कि विभिन्न इकाइयों के बीच में जो है सहयोग हो और संबद्धता हो, और जब श्रम विभाजन के कार्यों के बीच असामंजस्य पैदा कर दे तो उस श्रम विभाजन को हम आदर्शहीन श्रम विभाजन कहेंगे। और इस प्रकार श्रम विभाजन आर्थिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में हम देख सकते हैं, जो कि उत्पादन और विज्ञानों की एकता उसमें समाप्त हो जाती है, क्योंकि मकसद तो श्रम विभाजन का एकता उत्पन्न करना है, लेकिन जब वो एकता के बजाय उनमें असामंजस्य या असंतुलन पैदा कर देता है तो वो श्रम विभाजन का असामान्य स्वरूप कहलाता है या उसे दुर्खिम ने आदर्शहीन श्रम विभाजन कहा है। तो मुख्य रूप से ये 2 क्षेत्रों में देखने को मिलता है, एक आर्थिक क्षेत्र में और दूसरा वैज्ञानिक क्षेत्र में। आर्थिक क्षेत्र, इस क्षेत्र में श्रम विभाजन के कारण उद्योगों में विशेषीकरण बढ़ता है, क्योंकि जैसे जैसे श्रम विभाजन होता है विशेषीकरण बढ़ता है और इसमें एकता के बजाय संघर्ष पनपता है। मालिक और मजदूर के बीच संघर्ष पैदा हो जाता है, हड़ताल, तालाबंदी, उपद्रव, क्रांति की घटनाएं बढ़ती हैं, क्योंकि मालिक का हित अलग होता है और जो मजदूर है उसका हित अलग होता है। इससे व्यापारिक संकट और आर्थिक असफलता साव्यवी एकता में बाधा डालती है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, जब संकट पैदा होता है तो वहाँ एकता के बजाय विखंडता पैदा होने लगती है। तो दुर्खिम का कहना है कि आर्थिक क्षेत्र में श्रम विभाजन कई बार असामंजस्य पैदा करता है, जिसके कारण वहाँ की एकता को ठेस
पहुंचती है। श्रम विभाजन के कारण जब विभिन्न सामाजिक कार्यों में सामंजस्य नहीं होता और वे सहयोग के बजाय संघर्ष को जन्म देते हैं, जो कि विकास में बाधक है। श्रम और पूंजी का संघर्ष भी आदर्शहीन श्रम विभाजन का स्वरूप है। उसके अलावा वैज्ञानिक क्षेत्र, वैज्ञानिक क्षेत्र में पहले क्या था, विज्ञानों का विभाजन नहीं था, एक व्यक्ति एक साथ सभी विज्ञानों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकता था या उसे अधिकार था। इस प्रकार उस समय विज्ञानों में एकता पाई जाती थी, किंतु विज्ञानों के विभाजन के कारण व्यक्ति केवल एक ही विज्ञान से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक विज्ञान की भी कई शाखाएं हैं, उपशाखाएं हैं, और प्रत्येक वैज्ञानिक अपने को अपने ही क्षेत्र का जो है ज्ञाता मानता है। इससे विज्ञानों की एकता नष्ट हुई है और इस प्रकार आर्थिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में के अंगों की पारस्परिक संबंधों को टूटने से आदर्शहीनता की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो दुर्खीम का कहना है कि वैज्ञानिक क्षेत्र में भी विशेषीकरण के कारण से जो विज्ञानों की एकता है उसका विभाजन हुआ है। एक विज्ञान या एक विषय में भी अलग अलग जो है स्पेशलाइजेशन होता है, विशेषीकरण होता है, और व्यक्ति केवल उसी का ज्ञाता होकर के रह जाता है, पूरे विषय से भी उसका संबंध नहीं रह पाता। ऐसी स्थिति को दुर्खिम जो है आदर्शहीन श्रम विभाजन कहते हैं। इसके बाद दूसरा है बलात् श्रम विभाजन। बलात् का होता है जबरदस्ती, यानी कि जब व्यक्ति का जो के पास में कार्य नहीं होता है या जिस वो विभाग में लगा हुआ है वहाँ पर उसके अनुसार कार्य नहीं हो पाता और उसे ज़बरदस्ती कोई कार्य जो कि उसकी रुचि के अनुसार नहीं होता, उसकी योग्यता के अनुसार नहीं होता, तो वो बलात् श्रम विभाजन होता है। क्योंकि ऐसे में व्यक्ति को जो कार्य है वो उसकी योग्यता या रुचि के अनुसार न दे करके बल्कि एक संगठन का सदस्य होने के नाते उसे दे दिया जाता है, जो कि जो संगठन है उसको में वो अपनी सहायता नहीं पहुंचा पाता, या कहना चाहिए कि वहाँ पर एकता का जो रूप है वो पूरी तरह से हमें देखने को नहीं मिलता है। दुर्खिम कहते हैं कि वो वर्ग और जाति का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि इनका निर्माण श्रम विभाजन के संगठित रूप को प्रकट करता है, किंतु कई बार ये एकता के बजाय महत्वाकांक्षी पीड़ा और दुख को जन्म देते हैं, विशेष रूप से तब जब लोगों को उनकी रुचि के अनुसार कार्य नहीं मिलता और उनको जबरदस्ती या पूर्व निश्चित कार्यों से बंधा रहने के कारण वो कार्य शक्ति के द्वारा, बल के द्वारा कराया जाता है। ऐसा श्रम विभाजन समाज में पूर्ण एकता स्थापित नहीं करता। बाह्य रूप से थोपा गया श्रम विभाजन बलात् श्रम विभाजन कहलाता है, क्योंकि एकता के लिए व्यक्ति की योग्यता और रुचि का होना आवश्यक है, वहाँ पर ये चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती। तीसरा है व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यवसाय और औद्योगिक संस्थानों में कार्य करने वाले लोगों को पर्याप्त मात्रा में कार्य प्राप्त नहीं होता अथवा उनके कार्य में कोई समन्वय नहीं होता, तब अव्यवस्था और असंबद्धता फैलती है, तब श्रम विभाजन एकता स्थापित नहीं करता। क्योंकि जब व्यक्ति का कार्य व्यक्ति की योग्यता के आधार पर नहीं होता या उनमें कोई तारतम्यता नहीं होती, तो वो कार्य जो है वो अव्यवस्था फैलाता है और एकता को से चोट पहुंचती है। तो इस प्रकार दुर्खीम श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप में आदर्शहीन श्रम विभाजन, बलात् श्रम विभाजन और व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता को कारण मानते हैं। ये दुर्खीम की एक महत्वपूर्ण रचना है। इसके संदर्भ में अब इसका समीक्षात्मक विश्लेषण या आलोचनात्मक
मूल्यांकन के बारे में हम बात करेंगे। समाज में श्रम विभाजन दुर्खीम का प्रथम ग्रंथ था और इसमें उन्होंने श्रम विभाजन को एक सामाजिक तथ्य माना और इस रचना को इन्होंने शोध प्रबंध के रूप में प्रकाशित किया। इस ग्रंथ में दुर्खीम के समस्त समाजशास्त्रीय सिद्धांतों और मान्यताओं का आभास होता है। रॉबर्ट बीरस्टीड ने इस ग्रंथ को एक ऐसी रचना कहा है जो इनके विचार के निर्माण की अवस्था को प्रकट करती है, जिसमें इनका चिंतन परिपक्वता को प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसा बीरस्टीड का मानना है। यह इनका प्रथम ग्रंथ था, अतः कुछ दोषों का पाया जाना ऐसा भाविक नहीं है। आलोचकों ने दुर्खीम के सिद्धांत की अनेक आलोचनाएं की हैं, जैसे मर्टन ने दुर्खीम की आलोचना इस आधार पर की है कि इन्होंने लक्ष्य या उद्देश्य के स्थान पर प्रकार्य शब्द का प्रयोग किया है जो उपयुक्त नहीं है। जैसे वो बताते हैं कि श्रम विभाजन का प्रकार्य क्या होगा, वहाँ पर वो लक्ष्य या उद्देश्य शब्द का इस्तेमाल कर सकते थे। दूसरा, दुर्खीम ने सामाजिक एकता की अवधारणा का इस ग्रंथ में उल्लेख किया है, जैसे बताया था आपको सावयवी एकता और यांत्रिक एकता, किंतु एकता एक भावात्मक तथ्य है न कि एक सामाजिक तथ्य है। उसके बाद दुर्खीम की एकता की अवधारणा समाज के बजाय मनोविज्ञान से संबंधित है, क्योंकि यह एक सामाजिक पहलू नहीं है। तो इस तरह से दुर्खीम का जो सामाजिक और मनोविज्ञान का जो अंतर उन्होंने समाप्त किया है उसके बारे में ये बात कही गई है। उसके अलावा दुर्खीम ने यांत्रिक एकता वाले समाजों को खंडात्मक समाज भी कहा है, जो अपने आप में पूर्ण पृथक समाज होते हैं। दुर्खीम ने सावयवी एकता वाले श्रम विभाजन, औद्योगिकरण व विशेषीकरण तथा खंडात्मक समाज व्यवस्था का सामंजस्य दिखाकर समाज व्यवस्था के सिद्धांत को उलझा दिया है। तो यानी कि उसमें ऐसा हम नहीं कह सकते कि यहाँ पर यांत्रिक एकता होगी, यहाँ पर सावयवी एकता होगी। तो इस तरह से उन्होंने दोनों चीज़ों को, कि औद्योगिकरण जहाँ पर है सावयवी एकता है, विशेषीकरण है वो खंडात्मक व्यवस्था है, तो इस तरह की जो चीज़ उन्होंने बताई है ऐसा कह करके इन्होंने इस सिद्धांत को उलझा दिया है, ऐसा जो आलोचक हैं ये मानते हैं और रेमंड एरन इसे उचित नहीं मानते। दुर्खीम ने एकता के जो दो स्वरूप का उल्लेख किया है, जो कर्मशः प्राचीन और आधुनिक समाजों की आंतरिक प्रकृति को प्रकट करता है, इन्होंने यांत्रिक एकता की जिस प्रकृति का उल्लेख किया है वह केवल प्राचीन समाजों में ही नहीं बल्कि विकसित तथा ग्रामीण समाजों में भी देखी जा सकती है। यानी कि ऐसा कहने से उनसे ऐसा लगता है जैसे ये पहले होता था और ये अब होता है, जबकि ऐसा नहीं है। आधुनिक युग के अंदर भी हमें ग्रामीण समाजों में इस तरह का स्वरूप देखने को मिलता है। उसके अलावा बीरस्टीड कहते हैं कि दुर्खीम ने प्राचीन और आधुनिक समाज में अंतर, उनमें व्याप्त समानता और विभेद के आधार पर किया है, जो कि उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि सभी समाजों में कुछ मात्रा में समानता और कुछ मात्रा में भिन्नता हमें देखने को मिलती है, क्योंकि कोई भी समाज पूरी तरह से न तो समान होता है और न ही भिन्न होता है। यांत्रिक एकता भी देखने को मिलती है और सावयवी एकता भी हमें देखने को मिलती है दोनों ही तरह के समाजों में। तो इस तरह की जो चीज़ उन्होंने कही है वो सही नहीं है। दुर्खीम की सामूहिक चेतना की अवधारणा की भी आलोचना की गई है। समाज में प्रचलित सामान्य भावनाओं, विश्वास और समानताओं के कारण सामूहिक चेतना का विकास होता है। सामूहिक चेतना क्या होती है? समूह मन का पर्यायवाची, यानी कि जिस बात को एक समाज के अधिकांश लोग
मानते हैं, कोई भावना, कोई विचार, कोई मूल्य, जो कि एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, किंतु दुर्खिम इसे सामाजिक मानते हैं क्योंकि इसकी उत्पत्ति का स्रोत समाज है। इस प्रकार दुर्खिम मनोवैज्ञानिक तथ्य को समाजशास्त्रीय तथ्य बनाने की हठधर्मी करते हैं। इसके अलावा मर्टन ने दुर्खिम के उद्विकास सिद्धांत की आलोचना की, क्योंकि दुर्खिम कहते हैं कि उद्विकास के किनारे पर प्राचीन समाज और दूसरे समाज किनारे पर आधुनिक समाजों को रखते हैं। तो एक तरीके से वो एक उद्विकास की रेखीय व्याख्या की है, केवल श्रम विभाजन को समस्त सामाजिक उद्विकास का कारण बताकर दुर्खिम ने जटिल समस्या को एक साधारण समस्या या साधारण तरीके से व्याख्या कर दी है, जो कि इतना आसान नहीं है। क्योंकि हम कहें कि उद्विकास के एक छोर पर आदिम समाज है, दूसरे छोर पर आधुनिक समाज है, ऐसा नहीं है। आधुनिक समाज के साथ साथ हमें आदिम समाज आज भी देखने को मिलते हैं। बोगार्ट्स, गिन्सबर्ग, वार्नेस, सोरोकिन, एरन और मर्टन आदि ने दुर्खिम का द्वारा प्रस्तुत श्रम विभाजन के कारणों की आलोचना की है। दुर्खिम ने श्रम विभाजन का प्राथमिक कारण जनसंख्या के आकार और घनत्व में वृद्धि को माना है, जो कि जीवशास्त्रीय व्याख्या है, ना कि सामाजिक। वार्नेस के शब्दों में स्पष्ट रूप से श्रम विभाजन समाजशास्त्र की अपेक्षा एक जीवशास्त्रीय व्याख्या है, और बोगार्ट्स और गिन्सबर्ग ने भी दुर्खिम की इसी आधार पर आलोचना की है। उसके अलावा मर्टन व वार्नेस का मत है कि दुर्खिम ने श्रम विभाजन और सामाजिक एकता के संबंध में भौतिक विज्ञानों की पद्धति का मनमाना उल्लेख किया है। उसके अलावा दुर्खिम ने सभ्यता, प्रगति और श्रम विभाजन को इसका परिणाम माना है। तो जिन्हें कारणों और परिणामों को उलझा दिया है, मतलब ये नहीं समझ में आता कि कारण क्या है और परिणाम क्या है, तो ऐसी स्थितियों को कुछ विद्वानों ने एक अपने मत प्रस्तुत किया है कि दुर्खिम का ये जो सिद्धांत है, ये मनोवैज्ञानिक तथ्यों को सामाजिक तथ्य है, जीवशास्त्रीय व्याख्या को भी सामाजिक समाजशास्त्रीय व्याख्या के आधार पर जो प्रस्तुत किया है उसको उचित नहीं माना है। लेकिन कुछ भी हो, दुर्खिम का की ये रचना समाजशास्त्र के विकास में और समाजशास्त्र में अपना एक विशेष योगदान रखती है, जिसमें इस रचना ने, दुर्खिम के सिद्धांतों ने समाजशास्त्र के विकास में जो योगदान दिया है वो अविस्मरणीय है। धन्यवाद।